चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्रिज की वायरिंग के बारे में, यानी कि फ्रिज के हम वायरिंग कैसे कर सकते हैं, ओपन टाइप रिले के साथ हम फ्रिज की वायरिंग कैसे कर सकते हैं, चाहे हमारे पास बॉक्स टाइप रिले हो तो फ्रिज में हम कैसे वायरिंग कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के चाहे कोई भी वायरिंग हो, फ्रिज की अगर वायरिंग है ए टू जेड एक ही वीडियो में फाइनल कंप्लीट, चाहे वायरिंग डायग्राम के हिसाब से करना हो, कैपेसिटर हो ना हो, एक पिन दो पिन तीन पिन चार पिन कोई भी रिले लगा हो, कोई भी पार्ट पूरा फाइनल जीरो से लास्ट तक फाइनल केवल वायरिंग। चलिए आज हम लोग सीखेंगे फ्रिज की वायरिंग ओपन टाइप रिले के साथ, बॉक्स टाइप रिले के साथ, LMS रिले के साथ, PTC रिले के साथ और डायग्राम के हिसाब से, मतलब जो उसमें पीछे डायग्राम नहीं बना होता है वो डायग्राम के हिसाब से वायरिंग हम कैसे कर सकते हैं उसी के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं वायरिंग में तो फ्रिज के इलेक्ट्रिक पार्टों को थोड़ा सा हम यहां पे बनाने की कोशिश करते हैं। पहले जैसे देखिए सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है, कूलिंग को कंट्रोल करता है। मतलब फ्रिज अगर चलते चलते आवश्यकता से अधिक कूलिंग करती है, अधिक ठंडा करती है तो थर्मोस्टेट है जो कूलिंग को कट कर देगा। इसमें तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होता है। देखिए ये जो दोनों पॉइंट है, एक पॉइंट यहां है एक पॉइंट यहां है, ये जो दोनों पॉइंट है ये इसके पिन होते हैं। इसमें तार जोड़ने के लिए पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट करवाना है, किसी से इन किसी से आउट करवा सकते हैं, कोई जरूरी ना खाए नीचे वहां से इन ऊपर से आउट करवाइए, जहां से मन करे ऊपर वाला नीचे में सटाइए, चाहे नीचे वाला ऊपर में सटाइए, बात तो वही है ना। उसी तरह से ये स्विच ही है ना, दो पॉइंट है तार जोड़ने के लिए। भाई थर्मोस्टेट के पीछे एक पूंछ निकली होती है, पूछिया ऐसे ऐसे मुड़ी होती है, इस पूंछ में यह SO2 गैस होती है जिसका नाम होता है सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। और इस गैस की क्वालिटी होती है कि ये हल्का सा कूलिंग पाके बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है और थोड़ी सी गर्मी पाके बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाती है। ये थर्मोस्टेट हो गया। अच्छा, थर्मोस्टेट का कार्य कूलिंग को कंट्रोल करना हो गया, ठीक है। दूसरा पार्ट इसमें थर्मोस्टेट के बाद लगा होता है डोर स्विच। डोर स्विच मतलब दरवाजे पे लगने वाली स्विच। इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है फ्रिज के अंदर लगे बल्ब को ऑन ऑफ करना। मतलब फ्रिज का दरवाजा खोलते देखते उसमें से बल्ब जलता है, दरवाजा बंद करते ही बल्ब बंद हो जाता है, होता है ना, वो जो काम करता है ये डोर स्विच करता है। तो इसकी वायरिंग कैसे होती है वो भी समझेंगे। देखिए इसमें भी तार जोड़ने के लिए दो ही पॉइंट होते हैं, एक से इन दूसरे से आउट करवाना होता है, किसी से इन किसी से आउट इसमें भी करवा सकते हैं, हो गया। अच्छा, डोर स्विच के बाद इसमें एक और पार्ट लगा होता है जिसका नाम होता है बल्ब। अभी बल्ब हुआ रहेगा तभी तो उजाला देगा ना, बिना बल्ब की स्विच या थोड़ी उजाला देगी। स्विच का कार्य क्या है, ये ऑन ऑफ करती, बस सप्लाई को आउट करती, यही तो इसका कार्य है। लेकिन ये बल्ब है तभी तो जलेगा, और बल्ब में भी दो ही पॉइंट निकलते हैं, एक में न्यूट्रल है एक में फेस मिलेगा, तो ये बल्ब जलेगा। ये जो बल्ब होता है फ्रिज में लगने वाला ना, ये 8 से लेकर के 15 वाट के बीच में यूज किया जाता है और डायरेक्ट 220 वोल्ट के AC सप्लाई से काम करता है, यानी डायरेक्ट इसमें न्यूट्रल और फेस के अगर पावर दे दिया जाए तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा, मतलब जलने लगेगा। इसके ये तीन चीजें जो हैं ये फ्रिज में आगे लगी होती है। आगे का मतलब फ्रिज का जब हम दरवाजा खोलते हैं ना, सबसे ऊपर वो ठंडा करने वाला भाग होता है ना, उसी के नीचे वो जो ठंडा करने वाला भाग है उसी के नीचे ये लगा होता है। उसके नीचे का मतलब समझ रहे हैं, वहां जहां पे ऐसे स्विच कंट्रोल करना है या डोर स्विच, तो वहां पे लगा होता है ये हमारा बल्ब। अच्छा, इसके अलावा क्या लगा होता है, कंप्रेसर। देखिए ये हमारा है कंप्रेसर। उसके अलावा इसमें और कंप्रेसर कहां होता है, फ्रिज में सबसे पीछे। फ्रिज जो होती है वो सबसे पीछे नीचे देखेंगे ना खुला होता है, कभी ये जो कंप्रेसर होता है वो पैक नहीं होता है। पैक का मतलब कोई फ्रिज में ऐसा नहीं कि नहीं पीछे कवर लगा करके देगा कंप्रेसर ढका होगा, ऐसा नहीं है, वो खुला होता है। तो कंप्रेसर होता है, यहाँ पे हम बना देते हैं कंप्रेसर, देखिए थोड़ा सा यहाँ अलग बना देते हैं, और इससे आपको ये समझ में आएगा कि ये तीनों चीज़ें अंदर होती हैं, ये यहाँ की जो चीज़ें वो बाहर होती हैं, लेकिन कनेक्शन सारे एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। यहाँ पे ये हमारा है कंप्रेसर। फ्रिज में कौन सा कंप्रेसर लगता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर लगता है। कौन सा, रेसिप्रोकेटिंग। और इसका कार्य क्या होता है, गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, मतलब गैस एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है। कंप्रेसर में बॉडी अर्थ आ जाए, कंप्रेसर खराब हो जाए, किसी प्रकार का रिपेयर नहीं होता है, सीधे कनेक्शन सीधे कंप्रेसर को चेंज किया जाता है। कंप्रेसर में तार जोड़ने के लिए तीन पॉइंट होते हैं, क्योंकि कंप्रेसर एक प्रकार का मोटर है ना, कोई भी मोटर हो, चाहे सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, रूम कूलर, टुल्लू पंप मोटर, कोई भी मोटर, अगर मोटर है उसमें से तीन ही तार निकलते हैं ना, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। उसी तरह से इसमें भी तीन तार निकलते हैं, एक का नाम होता है कॉमन, एक का नाम होता है रनिंग और एक का नाम होता है स्टार्टिंग। ये तीन पिने होती है, तीनों में सप्लाई जाएगी, मोटर चलेगा, गैस का संचार होगा, सक्सन लाइन से खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से डिस्चार्ज करेगा, बाहर निकालेगा। ये सारे हमारे पार्ट है। अच्छा, अभी तो कंप्रेसर बना, OLP ओवरलोड प्रोटेक्टर। OLP कई प्रकार की होती है, हम यहां पे एक बनाते हैं, ऐसे गोल में OLP आती है, गोल में OLP आती है, लेकिन OLP चाहे किसी भी टाइप की हो, बनावट चाहे जैसी भी हो, तार जोड़ने के लिए दो ही पॉइंट होंगे, काम उसका वही होता है ओवरलोड प्रोटेक्टर। ओवरलोड का मतलब समझते हैं, अधिक लोड होने पर, मतलब अगर फ्रिज
चलते चलते इसका ही कंप्रेसर मोटर गरम हो जाएगा तो ये ओएलपी उसको अपने आप बंद कर देगी। मतलब समझते हैं, जैसे हमारा टुल पंप मोटर होता है तो उसमें नए लोग लगवा देते हैं ऑटो कट लगाए, मतलब अगर वो चल रहा है और चलते चलते मोटर गर्म हुआ तो अपने आप मोटर बंद हो जाएगा, जलने से बच जाएगा ना, और जैसे ही फिर से ठंडा होता है अपने आप चालू भी हो जाता है, मतलब फिर से चल जाता है। तो उसी तरह से इसमें क्या लगता है, ओएलपी ओवरलोड प्रोटेक्टर। फ्रिज में सबसे ज्यादा खराब होने वाली चीज होती है ओएलपी। कभी कभी क्या होता है, फ्रिज है बार बार ट्रिप कर जा रही है तो समस्या ओएलपी से होती है। या एक चीज और है, अभी रिले, दूसरा पार्ट हमारा रिले। रिले का कार्य क्या होता है, ये रनिंग से स्टार्टिंग में स्टार्ट मार के कंप्रेसर मोटर को स्टार्ट करता है। देखिए इस मोटर को डायरेक्ट अगर चालू करना है, इस मोटर को अगर डायरेक्ट चालू करना तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को कॉमन में, फेस को रनिंग में, रनिंग से स्टार्टिंग में एक तार लेके साठ मारेंगे तो मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा डायरेक्ट चालू का करने का तरीका है। लेकिन ये जो साठ मारने का काम हम करने की बात कर रहे हैं वो काम ये रिले ऑटोमेटिक करता है। तो सबसे पहले हम ओपन टाइप रिले के साथ बताएंगे, उसके बाद और भी रिले का प्रयोग करेंगे। देखिए ये सबसे पहला रिले हमारा ओपन टाइप। ओपन टाइप इसको क्यों बोलते हैं, इसकी जो बाइंडिंग होती है वो ओपन होती है, मतलब खुली होती है। इसकी बाइंडिंग ऊपर से दिखाई देती है, ये दो छिद्र बने हुए हैं जिसमें एक छिद्र रनिंग में जाता है और एक स्टार्टिंग में जाता है। अब प्लंजर नाम की पत्ती इसमें लगी होती है सप्लाई यहां पे देने के लिए, ये पॉइंट है इसमें, ये पॉइंट है सप्लाई देने के लिए, ठीक है। ये हो गया रिले में एक तार जोड़ने के लिए जगह होती है, ओएलपी में भी एक ही तार जोड़ने के लिए जगह होती है, दो जगह होती है, लेकिन एक छेद कंप्रेसर के कॉमन में जोड़ा जाता है ना, बस ये इतने ही पार्ट होते हैं। फ्रिज में तो कुछ होता ही नहीं यार, क्या है, एक थर्मोस्टेट है कूलिंग कंट्रोल करेगा, डोर स्विच है फ्रिज में लगे हुए बल्ब को ऑन ऑफ करेगा, बल्ब है जलेगा तो उजाला देगा, कंप्रेसर है जो चलेगा तभी गैस का संचार होगा, कंप्रेसर की सुरक्षा के लिए ओएलपी लगी हुई है जो हीटिंग को कंट्रोल करेगी, और रिले लगा हुआ है जो रनिंग से स्टार्टिंग में साठ मार के मोटर को स्टार्ट करेगा। इसके अलावा क्या होता है, न्यूट्रल और फेस। अब कोई भी वायरिंग जब हम करते हैं, चाहे घर की वायरिंग करें, चाहे छोटा बोर्ड बनाए, चाहे पंखा जोड़े, यार न्यूट्रल और फेस से ही तो वायरिंग की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां हम लिखते हैं न्यूट्रल, अभी समझिएगा, यहां पे वायरिंग अभी हम डायग्राम के हिसाब से भी समझेंगे और न्यूट्रल की जगह पे फेस हो जाएगा, यह भी समझिएगा, न्यूट्रल की जगह पे फेस। पहले बताएं आपको, कोई भी वायरिंग हो न्यूट्रल की जगह पे फेस या फेस की जगह पे न्यूट्रल हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, उसी प्रकार से फ्रिज में भी हो सकती है, ठीक है। तो यहां पे हम न्यूट्रल की जगह पे फेस थोड़ी सी चेंजिंग समझेंगे, यहां न्यूट्रल है हमारा, ये फेस है एक हमारा, ये एक न्यूट्रल है, ये हमारा फेस है, ठीक है, न्यूट्रल और फेस। तो वायरिंग करना हमें इसकी, पूरे फ्रिज की वायरिंग का नियम क्या हमारा, इसमें देखिए एकदम बारीकी से पहला वाला समझेंगे, बाकी सारे समझ में आ जाएंगे। न्यूट्रल का किसका वायरिंग का क्या नियम है, कि सबसे पहले न्यूट्रल के वायर को लेकर के जाएंगे और थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में जोड़ देंगे। कहां जोड़ रहे हैं, सीधे थर्मोस्टेट में, यहां से लेकर के गए और थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में जोड़ेंगे। वायरिंग में थोड़ी समा के आपको चेंजिंग बताएंगे, यहां पे न्यूट्रल के वायर को डायरेक्ट लेकर के जाएंगे और थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में जोड़ेंगे, ऊपर नीचे नहीं देखना है, कहीं जोड़ दीजिए, और जिसमें जोड़ेंगे उसी पॉइंट से लेकर के आएंगे डोर स्विच के एक पॉइंट में जोड़ देंगे। मतलब समझ रहे हैं, न्यूट्रल के वायर को थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में जोड़ देंगे और जिसमें जोड़े हैं वहीं से लेकर के आगे डोर स्विच को। इसका क्या मतलब हुआ, न्यूट्रल डायरेक्ट थर्मोस्टेट में भी मिला और न्यूट्रल डायरेक्ट डोर स्विच में भी मिला, हो गया ना। अच्छा, डोर स्विच का अगला पॉइंट, एक में तो यहां से ये थर्मोस्टेट वाला डोर स्विच में जुड़ गया ना, डोर स्विच का अगला पॉइंट बल्ब को जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा, डोर स्विच का अगला पॉइंट बल्ब को जुड़ेगा, तभी तो ये बल्ब को कंट्रोल करेगा। और उसके बाद बल्ब का अगला पॉइंट, ये जो बल्ब का बचा हुआ पॉइंट है, बल्ब का अगला पॉइंट लेकर के आएंगे और इसको जुड़ेगा फेस में। कहां जुड़ेगा, फेस में, यानी बल्ब के अगले पॉइंट में फेस दे दिया गया। देखिए इस अवस्था में ये जितनी वायरिंग हुई, इस अवस्था में डोर स्विच या बल्ब की वायरिंग कंप्लीट हो गई। देख के देखिए, जैसे देखिए इस समय अगर डोर स्विच ऑन ऑफ होगी तो ये बल्ब ऑन ऑफ होगा, कैसे पता चल रहा है ना, न्यूट्रल देखिए डायरेक्ट यहां, समझिए कि यहां गई है तो यहां से डोर स्विच में सीधा सीधा आ रहा है ना, और डोर स्विच ऑन होगी सप्लाई को आउट करेगी तो यहां तक न्यूट्रल आ जाएगा, आएगा ना, और न्यूट्रल यहां तक आएगा तो सप्लाई होकर यहां तक न्यूट्रल पहुंचेगा। मतलब अगर इसमें न्यूट्रल पहुंचा था, फेस वह डायरेक्ट दिया गया, मतलब फेस डायरेक्ट बल्ब को मिल रहा है और न्यूट्रल स्विच से होकर मिल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, न्यूट्रल फेस मिलेगा तो बल्ब जलेगा, जलेगा ना, इतना तो कंफर्म हुआ कि फ्रिज का दरवाजा खुलने पर बल्ब जलेगा और दरवाजा बंद करेंगे तो बल्ब बंद हो जाएगा। बल्ब वाला कनेक्शन क्लियर हुआ। अच्छा, इसके बाद अगर देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, अब ये अभी रिले ओएलपी और कंप्रेसर ये सब तो बाकी है ना, यहाँ पे कंप्रेसर है, रिले है, ओएलपी है। अब क्या करेंगे, थर्मोस्टेट का बचा हुआ पॉइंट वायरिंग में देखिएगा, न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में, जिस पॉइंट में गया वहीं से डोर स्विच को, डोर स्विच का अगला बल्ब को, बल्ब का अगला फेस को। अब थर्मोस्टेट का जो बचा हुआ पॉइंट है उसको लेकर के आएंगे और जोड़ेंगे ओएलपी के किसी एक पॉइंट में।
इसमें भी दाहिने बाएं नहीं देखना, किसी एक पॉइंट में जोड़ेंगे और अगले पॉइंट को ले आकर के कंप्रेसर के कामन में जोड़ देंगे, यानी कि यहां से थर्मोस्टेट से आउट करवा के सप्लाई को ओएलपी के लेके आएंगे, एक पॉइंट में जोड़ देंगे और अगले पॉइंट से आउट करवा करके कंप्रेसर के कामन में जोड़ देंगे। कंफर्म है यहां तक? कंप्रेसर के कामन में जोड़ देंगे। अब देखिए क्या हुआ, न्यूट्रल की वायरिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। न्यूट्रल डायरेक्ट थर्मोस्टेट के एक पॉइंट में, उसी पॉइंट से डोर स्विच को, डोर स्विच का अगला बल्ब को, बल्ब का अगला फेस को, और थर्मोस्टेट का अगला पॉइंट ओएलपी में, ओएलपी से होते हुए कामन में जोड़ देंगे। तो अब अगर ये थर्मोस्टेट ऑन होगा तो सप्लाई को आउट करेगा, आउट करेगा तो ओएलपी तक आएगी। थर्मोस्टेट कब ऑन होगा? जब ये बताएगा कि अच्छा कूलिंग ज्यादा नहीं हो रही है, मतलब नॉर्मल है, ठीक ठाक है, चलो सप्लाई जाओ, सप्लाई जाओ, तब जाके सप्लाई यहां से आएगी। यहां से आएगी तब तक ही रोक लेगा, ये दूसरा का वहां पे पहरेदार है। ई का कहेगा अच्छा पहले चेक कर ले कंप्रेसर गर्म तो नहीं है, अच्छा कंप्रेसर गर्म नहीं है, तब जाके ई सप्लाई को यहां से आउट करेगा, जब ये आउट करेगा तब जाके कंप्रेसर के कामन तक सप्लाई आती है और तब जाके मोटर चलेगा। मतलब समझ पाए? यानी पहले ही चेक कर लेगा कि कूलिंग तो ज्यादा नहीं है, अच्छा कूलिंग चेक करेगा, अच्छा ठीक ठाक कूलिंग है, चलिए आगे भेजते हैं, आगे भेजेगा हाई चेक करेगा, रुको रुको पहले हमारा नहीं देखते हैं, कहीं कहीं अभी जाते हैं गेट पे तो चार ठे पहरेदार लगे रहते हैं, पहले एक ठे चेक करेगा जेब की तलाशी लेगा, एक ठे आपकी मार्कशीट चेक करेगा, नहीं बहुत सारे फंक्शन होते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं तो वैसे ही चेक करेगा कूलिंग ज्यादा तो नहीं हो रही है, अच्छा इसके यहां से पास होंगे तो इसके यहां आइए, यो चेक करेगा अपना कि कहीं ज्यादा कहीं हीट तो नहीं ना है मोटर, ये भी ठीक है, तब आएगा कंप्रेसर के कामन तक सप्लाई, तब जाके ये मोटर चलेगा। और देखिए ये फेस वाली जो पॉइंट है, अभी देखिए न्यूट्रल कामन में मिला ना, फेस का पॉइंट आएगा यहां रिले के, हमारे रिले वाले पॉइंट में, रिले के पोल पॉइंट में ये फेस आएगा और ये रनिंग और स्टार्टिंग में ऑटोमेटिक चला जाएगा, जिससे हमारा कंप्रेसर मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हमारी नॉर्मल बेसिक सी वायरिंग है, ये हमारी नॉर्मल वायरिंग है कि यहाँ पे हमने क्या किया, न्यूट्रल को थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में, उसी पॉइंट से डोर स्विच को, डोर स्विच का अगला बल्ब को, बल्ब का अगला फेस को, और न्यूट्रल थर्मोस्टेट का बचा हुआ एक पॉइंट ओएलपी में, ओएलपी का अगला कामन में, उसके बाद ये फेस का वायर पोल पॉइंट में और यहां से देकर के स्टार्टिंग में और एक रनिंग में, ये डायरेक्ट ये तार नहीं जोड़ा जाएगा, ये खोस दिया जाएगा और ये मोटर चालू हो जाएगा। ये देखिए ये बेसिक तरीका है, आप इसका डायग्राम बनाइए चित्र को और दो तीन बार कनेक्शन करके देखिए। कनेक्शन करने का आपको आपको प्रैक्टिकल चेकिंग कॉपी पे करने का तरीका यह है कि आप इसको चित्र को इधर उधर करके कनेक्शन करिए। देखिए चित्र चाहे कहीं भी हो, मतलब डोर स्विच यहां रखिए, थर्मोस्टेट यहां रखिए, बल्ब यहां रखिए, ऐसे करके कॉपी में बनाइए और बनाने का अभ्यास करिए। अगर आप चित्र को इधर उधर करके भी कनेक्शन कर लेते हैं तो समझिए कि आपका वायरिंग कंफर्म है, आप वायरिंग कर सकते हैं। लेकिन आई जोन वायरिंग देख रहे हैं ना, आपको फिक्स ऐसी नहीं मिलेगी, ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसे तो समझ में आ गए, लेकिन अभी चित्र को बदलेंगे ना थोड़ा सा कंफ्यूजन होंगे, करके देखिएगा इसको एक बार, ठीक है? उससे चले हम आगे चलते हैं। अगर ये रिले ओपन टाइप है तो हमारी वायरिंग तो ये हो गई। अच्छा अगर यहां पे रिले हम बॉक्स टाइप लगा दें, बॉक्स टाइप अगर रिले चेंज करेंगे, कोई भी रिले लगाएंगे, तो हाई जोन इधर की वायरिंग दिख रही है ना आपको, ये सब सेम रहेगी, खाली चेंज क्या होगा यहीं पे, खाली चेंज क्या होगा यहीं पे चेंज होगा। और एक बात बताएं, ये देखिए रिले और ओएलपी और ये जो एलएमएस पीटीसी रिले लगा है, सब में केवल रिले चेंज होगा, बाकी सारे सिस्टम सेम है, केवल रिले के जगह पे ही चेंज होगा। चल चलिए चेंज करके दिखाते हैं, जैसे ये ओपन टाइप रिले हो गया, अब हम यहां पे लगा देते हैं बॉक्स टाइप रिले, ये दूसरे नंबर पे हमारा लिखा है। बॉक्स टाइप जो रिले होता है ये देखने में बॉक्स के आकार का होता है, ऐसे बॉक्स मतलब चौकोर आकार में होता है, और यहीं पे लगा देते हैं। चलिए ओपन टाइप रिले को हमने हटा दिया, पूरी वायरिंग याद रखिएगा सेम है। एक कंडीशन और बता दिया, न्यूट्रल की जगह पे ना फेस, ये न्यूट्रल लिखा है ये फेस लिखा है, अगर आप न्यूट्रल की जगह पे फेस लिख देंगे, अब फेस की जगह पे न्यूट्रल लिख देंगे तो ये वायरिंग बन जाती है डायग्राम के हिसाब से। किसी भी फ्रिज के पीछे देखेंगे एक स्टिकर लगा रहेगा, उस स्टिकर पे वायरिंग भी बना रहेगी। वायरिंग में उसमें क्या होता है, जहां हम न्यूट्रल लिख रहे हैं वहां पे फेस होता है, और हाँ होना भी चाहिए यार, हम भी आपको हाउस वायरिंग में यही बताया ना कि कोई भी जब हम उपकरण लगाते हैं तो फेस का वायर स्विचों से होकर जाता है, यही ना हमारा नियम है कि फेस का वायर स्विच से होकर जाएगा और न्यूट्रल का वायर उपकरण में डायरेक्ट पहुंचेगा। लेकिन यहां क्या किया जा रहा है, न्यूट्रल का वायर स्विच से लेके जा रहे हैं हम, अब फेस का वायर डायरेक्ट लेके जा रहे थे, मतलब न्यूट्रल की जगह पे फेस लिख दीजिए, वायरिंग डायग्राम के हिसाब से भी कंप्लीट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको ये भी हम बताएं कि न्यूट्रल की जगह पे फेस या फेस की जगह पे न्यूट्रल हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल काम करेगा वो, ठीक है? चलिए यहां पे हम बॉक्स टाइप रिले बनाते हैं। देखिए हमारा बॉक्स टाइप रिले कैसा होता है, ये देखने में ही बॉक्स के आकार का होता है। बॉक्स टाइप जो रिले होता है ये देखने में ही बॉक्स के आकार का होता है, ऐसे बॉक्स होता है, ठीक है? और इसमें तीन छिद्र बने होते हैं, इसमें तीन छिद्र बने होते हैं जो कि कॉमन रनिंग और स्टार्टिंग के होते हैं, मतलब इस रिले को उठा के सीधे इसमें खोस दिया जाता है, समझ रहे हैं भाई? ताम झाम झंझट नाम का कोई चीज नहीं है भाई, ओएलपी ओएलपी अलग से लगाने की बात नहीं है, ये सब इसी में लगा होता है।
टेंशन कम हो जाता है। इसमें दो पिन है तार जोड़ने के लिए, दो इठे निकाल देते हैं। एक पे लिखा होता है L2 और एक पे लिखा होता है L1। अब समझ गए, L2 हमने पिछले वीडियो में बताया था, L2 वाले का संपर्क कामन से होता है। अब कामन में हमको न्यूट्रल हम दे रहे हैं, तो न्यूट्रल हाई वाला देख रहे हैं ना, जो थर्मोस्टेट वाला से आउट हो रहा है, इसी को हम लेकर के आएंगे और L2 में जोड़ देंगे। आई जो फेस वाला वायर आ रहा है, इस फेस वाले वायर को ले आकर के L1 में जोड़ देंगे। इस रिले को उठा के खाली चुपचाप इसी में खोस देंगे, खोस देंगे तो मोटर चालू हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात बताया आपको, ये जो बॉक्स टाइप रिले है ना यार, इसका यूज बहुत कम हो गया आज के टाइम में, ये रिले खत्म हो गया। हाँ, आसान तो था लेकिन थोड़ा बड़ा था ना, तो इसलिए महंगा आता था। बनावट प्लास्टिक व्लास्टिक है, जो बॉडी और ये इसकी सब जा रही, सब पैसा का लग रहा है ना, तो ये सब उसको कम कर दिया, तो छोटा छोटा कर दिया। कितना बड़ा रिले लग रहा, चलो इतना बड़ा से जब काम चल सकते तो बड़ा का लगाने की क्या जरूरत है। इसलिए इस रिले का डिमांड खत्म, जमाना खत्म हो गया। पुरानी अगर एक एक्टिव फ्रिज मिलेगी आपको तो ऐसा रिले देखने को मिल सकता, नहीं तो ऐसा रिले मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो जब मार्केट में भी खोजेंगे ना तो जल्दी नहीं मिलेगा, दुकान पे भी पता करना पड़ेगा कौन सा दुकान वाला पुराना सामान रखा हुआ है, बचा हुआ है, तो वही वाला आप लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, बॉक्स टाइप रिले तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तीसरा हमारा एक और रिले LMS रिले, LMS लाइट मेन स्टार्टिंग। और जब LMS रिले रहेगा तो आपको एक चीज बता दें कि ये जो हमारा OLP था, जो हमारी OLP थी, ये इसमें लगी होगी। LMS रिले के साथ OLP का प्रयोग किया जाता है, मतलब LMS रिले में OLP लगी होती है, ठीक है। अब देखिए, ये थर्मोस्टेट का आउटपुट पॉइंट OLP के एक पॉइंट में रहेगा और OLP जब आउट करेगी तो कॉमन में आएगा। ये तो ये हो गया, बॉक्स टाइप यहां से हटा देना हमको, इधर का कनेक्शन समझ पाए ना, मतलब पहले जैसा हमने कर दिया, जैसे हम ओपन टाइप के किए थे, ओपन टाइप के जैसा यहाँ पे सप्लाई आई। देखिए, न्यूट्रल का वायर डायरेक्ट थर्मोस्टेट में, उसी पॉइंट से डोर स्विच का अगला बल्ब, बल्ब का अगला फेस में, इधर हमारी कोई चेंजिंग नहीं हो रही है। यहाँ पे थर्मोस्टेट का आउटपुट OLP में, OLP से कॉमन में कोई चेंजिंग नहीं है। रिले बदल देते हैं, कौन सा रिले लगाएंगे यहाँ पे, LMS रिले। LMS रिले का पूरा नाम है लाइट मेन स्टार्टिंग। देखिए, LMS रिले में तार जोड़ने के लिए तीन पॉइंट होते हैं। ये LMS रिले हो गया, इसमें तार जोड़ने के लिए हम ये तीन पॉइंट बना देते हैं, ये तीन पॉइंट होते हैं। अब देखिए, एक पे लिखा होता है, यही पॉइंटों का नाम होता है, एकठे का नाम होता है L, एकठे का नाम होता है L M और दूसरे का नाम, तीसरे का S, लाइट मेन स्टार्टिंग। अब नाम से भी समझ में आ रहा, लाइट मतलब इसमें पावर दिया जाएगा, मेन मतलब इसमें मेन सप्लाई मतलब ये रनिंग से संबंधित है, और यस मतलब स्टार्टिंग से संबंधित, सिंपल बात है यार। और ये जो यल और यम होते हैं ना, ये अंदरवा से डायरेक्ट होते हैं, मतलब एक थे में सप्लाई दीजिए ना, दूसरे के में ऑटोमेटिक भेजेगा ये। और यम और यस जो होते हैं, यम और यस, ये अंदर प्लंजर नाम की पत्ती से कनेक्ट होते हैं, जब पावर जाती है तो शॉट मारता है तो मोटर स्टार्ट होता है तो काम करता है और इसका काम खत्म हो जाता है। अच्छा, कनेक्शन कैसे करना है, अगर ये रिले मिल जाए आपको तो इसका क्या करना है, ये जो फेस का वायर है ना, इसको ले आ करके L लाइट वाले में जोड़ देना है, फेस का वायर ले आ करके लाइट वाले में जोड़ देना है, और M को रनिंग में, S को स्टार्टिंग में, M को रनिंग में और S को स्टार्टिंग में जोड़ देंगे, मोटर हमारा नॉर्मली एकदम आराम से स्टार्ट हो जाएगा और मोटर चालू हो जाएगा, बढ़िया तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इस प्रकार से हम वायरिंग कर सकते हैं, LMS मतलब लाइट मेन स्टार्टिंग के साथ अगर हमें वायरिंग करनी है, ये वाला रिले लगाए तो भी कर सकते हैं। अच्छा, चलिए चौथे प्रकार का रिले की बात करते हैं, PTC रिले। इसका कुछ है पॉजिटिव टेम्परेचर करंट, ऐसे कुछ है इसका पूरा नाम, आप सर्च कर लीजिएगा, देखिएगा। तो ये जो PTC रिले है ना, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा यूज किया जा रहा है कोई फ्रिज में, जो नए मॉडल की जितने भी फ्रिज आ रहे हैं, पुराने मॉडल वाले भी, मतलब समझिए 2-3-4-5 साल पुराने भी जो फ्रिज हैं, मैक्सिमम फ्रिजों में अब PTC रिले का यूज किया जा रहा है और सबसे बेस्ट होता है। PTC रिले में एक पिन भी होती है, दो पिन भी होती है, तीन भी होती है, चार भी होती है। हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिकली इसको दिखाया था कि ये जो पिनें होती कहां कहां होती हैं, तो PTC रिले के साथ भी हम वायरिंग कर सकते हैं। अगर PTC रिले लगा हो तो क्या होगा, देखिएगा, ये OLP वगैरह ऐसे ही रहेगा, इधर कोई चेंजिंग नहीं है, जो कुछ चेंजिंग है खाली यहाँ है, केवल रनिंग में है। देखिए PTC रिले में, अब देखिए ये फेस का वायर है, ये PTC रिले की बनावट देखिए ऐसी है, ऐसे हम थोड़ा सा ये लंबा में बना रहे हैं, अभी यहाँ पे रिले थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। ये जो PTC रिले है, कोई भी रिले जैसे देखिए बॉक्स टाइप रिले को हमने बताया था ना, ये तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट होते हैं, ऐसे है ये, तीन छिद्र बने हुए, काम रनिंग स्टार्टिंग में लग जाएगा। ओपन टाइप रिले हमारा यहाँ है, दो छिद्र बने जो रनिंग और स्टार्टिंग में जाएगा। और अगर PTC रिले की बात करें तो ये हमारा देखिए PTC रिले,
ये वाला रिले, ये पीटीसी रिले, इसमें दो ही छिद्र होते हैं आगे, यहाँ पे दो छिद्र होते हैं सप्लाई देने के लिए, जो इसमें एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का होता है, और इसमें कुछ लिखा भी होता है यार, एक पे यम और एक पे यस लिखा होता है शायद, यम और यस, तो मेन और स्टार्टिंग इसका मतलब ये होता है। और ये पीटीसी रिले है, अच्छा इसमें ये पिन दो है, तार जोड़ने के लिए जो पॉइंट है देखिए इसमें चार पॉइंट है, एक दो तीन चार, अब चार रहे तीन रहे दो रहे या एक रहे, ये जो छिद्र है ये दो ही रहने वाला है, मतलब समझ गया ना, ये चार पिन हो चाहे दो पिन हो चाहे तीन पिन हो चाहे एक पिन हो, लेकिन ये जो छिद्र है ये दो ही रहने वाला है, इन्हीं दोनों पे ये काम करेगा, मतलब दो ये रहेगा तभी तो वो रनिंग और स्टार्टिंग में ही तो लगाना है ना, अगर तीन हो जाएगा तो लगाएंगे कहां, कॉमन में, कॉमन के लिए ओएलपी अलग से लगेगी ना, तभी तो ओएलपी हीटिंग को कंट्रोल करेगी। और बॉक्स टाइप रिले का क्या है, उसके साथ तो पहले से ओएलपी मिली हुई है तो इसलिए उसमें काम करता है। अब देखिए ये चार पिने हैं, चार पिने हैं, इसमें दो पिने एक साइड है, दो पिने एक साइड है। एक चीज और आपको बता दें, एक तरफ की दोनों पिने एक ही होती हैं इसकी, और दूसरे तरफ की दोनों पिने एक ही होती हैं, ये भी ध्यान दीजिए, एक तरफ की दोनों पिने एक ही होती हैं और दूसरे तरफ की दोनों पिने एक ही होती हैं। चलिए वायरिंग करते हैं इसकी, देखिए अगर किसी में एक पिन है, ऐसे एक पिन तार जोड़ने के लिए बना हुआ है और ये दाहिने साइड में, तो आप ऐसे कंप्रेसरों में लगा सकते हैं, मतलब यहां से हेजोन फेस की सप्लाई है लेके आइए और इसके पिन में यहां खोज दीजिए, एक पिन है तो सीधा सीधा इसको लगा दीजिए, कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, समझ गए क्या, जिसमें एक पिन है दो कंडीशन है यार, देखिए इसमें ये दो छिद्र बने हुए हैं ना, पहले तो इसको सीधा करिए और ऊपर की तरफ पकड़िए, पीछे की तरफ इसके देखिए दो पिन है ऐसे, और ये दाहिने तरफ होना चाहिए, हमारे हाथ कैसे, हम दाहिने है ना, ये दाहिना हाथ है ना हमारा, तो ये दाहिने तरफ की जो पिन है इसी में हमें पावर देना है। अच्छा दाहिने तरफ के ऊपर या नीचे किसी में दे देंगे कोई बात नहीं, चाहे आप इसको ऊपर वाले में दीजिए चाहे नीचे वाले में दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाएं में नहीं देना है। अच्छा यहां पे अगर एक पिन है और ऐसे है तो आप इसको यहां पे सप्लाई दीजिए और नॉर्मल ये मोटर चालू हो गया, पहली बात ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर इसमें दो पिन होती है दोनों एक तरफ होती तो क्या होता, तब भी हम इसको लगा लेते हैं। अब ये सप्लाई चाहे ऊपर वाले में दीजिए चाहे नीचे वाले में दीजिए, बात एक ही है, हमने आपको ये बता दिया कि एक तरफ की दोनों पिनें एक ही होती है, मतलब समझिए एक पिन अगर यहां है तो ये दोनों अंदर से डायरेक्ट होगी, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर दो तरफ पिनें होती, दो तरफ मतलब किसी दो तरफ, एक ठे पिन इधर होती है एक ठे इधर होती है, तो क्या करते हैं, तब हम यही सप्लाई देते हैं, इसको खाली छोड़ देते, समझ गए क्या, इसको खाली छोड़ देते। अब एक बात और डाउट करेगा, अगर दो पिन ऊपर ऊपर दिया इसको हम खाली छोड़ रहे हैं, एक ठे खाली छोड़ रहे हैं, तो ये दिया क्यों है, ये भी तो डाउट है ना, अगर ये पिन को हम खाली छोड़ रहे हैं ये दिया क्यों है, तो ये दिया इसलिए होता है ना कि कुछ कंप्रेसरों में है कॉमन रनिंग, देखिए ध्यान दीजिए ये कॉमन है ये रनिंग है ये स्टार्टिंग, मान लीजिए ऐसे एक पिन ऊपर है तो कुछ कंप्रेसरों में ऐसे होता है और कुछ कंप्रेसरों में है कॉमन वाला नीचे होता है, रनिंग स्टार्टिंग ऊपर होता है तो वहां रिले को पलट के लगाना पड़ता है, और जब रिले को पलट के लगाते हैं तो जो बाएं था अब वो दाहिने हो जाएगा, बात समझ रहे हैं, अब ये बाएं था रिले को पलट दिया जाए तो ये दाहिने बन जाएगा, जब दाहिने बनेगा तो अब इसका कंप्रेसर, यानी कि अगर इस वाले कंप्रेसर में लगाना हो जिसका एक कॉमन वाला पिन जो है वो नीचे है तो आप इसको इस साइड में लगा करके इसमें लगाएंगे, बात समझ पाए क्या, यानी इसीलिए इसमें ये दो दिया है कि आपका चाहे सीधा वाला कंप्रेसर हो चाहे उल्टा वाला कंप्रेसर हो दोनों में से किसी में लगा सकते हैं, इसलिए अगर इसमें लगा रहे तो इधर वाली खाली रहेगा और जब इसमें पलट के लगाएंगे तो हमें तार जोड़ के ही वाले को खाली छोड़ देंगे, बात समझ गए ना, इस तरह से इसका कनेक्शन होता है। अच्छा ये दो पिन की बात हो गई, अगर इसमें तीन पिन है, तीन पिन है, एक पिन यहां पर है, अगर इसमें तीन पिन है तो इसका यूज क्या है, देखिए पहली बात तो नॉर्मल है कि आप इसी एक में कनेक्शन दीजिए लगा दीजिए कंप्रेसर मोटर चालू हो जाएगा, बस इसी एक में कनेक्शन दीजिए लगा दीजिए मोटर चालू हो जाएगा, इन दोनों को खाली छोड़ दीजिए, लेकिन ये दोनों दिया क्यों है, जब दो पिन तीन पिन देता है ना तो ये दूठे कैपेसिटर लगाने के लिए देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं कैपेसिटर लगाना जरूरी, अगर किसी में ये पहले से उसमें कैपेसिटर नहीं लगा है तो मत लगाइए, क्या फर्क पड़ता है, अगर ऐसा है कैपेसिटर लगाना ही चाहते हैं तो क्या होता है, देखिए कैपेसिटर का कार्य क्या होता है, स्टार्टिंग के समय झटका देके मोटर को स्टार्ट करवाता है, जैसे कोई पंखा है, पंखा हमारा क्या होता है कभी कभी चलते चलते बंद हो जाता है तो हम लाठी से थोड़ी सा सहारा देते हैं तो घूमने लगता है, मतलब क्या हुआ उसकी स्टार्टिंग बाइंडिंग कमजोर हो गई है, समझ रहे ना, गाड़ी अगर बंद हो जाती है कभी कभी हम धक्का देके स्टार्ट करवाते हैं, स्टार्टिंग कमजोर हो गया उसको हम धक्का देके स्टार्ट करवा रहे हैं, उसी तरह से स्टार्टिंग बाइंडिंग अगर इस कंप्रेसर मोटर का कमजोर हो जाता है तो हम क्या करते हैं कैपेसिटर लगाते हैं कि जब स्टार्ट हो तो इसको ज्यादा पावर मिले, ज्यादा पावर मिले तो तेजी से ढकेलेगा मोटर स्टार्ट हो जाएगा, देखिए कैपेसिटर लगाना अगर होगा तो इसमें तार कहां जुड़ेंगे, ये हमारे पास हो गया कैपेसिटर,
इसके ये दोनों तार हो गए। अब इसके एक तार को एक पॉइंट में और दूसरे को दूसरे में लगा देना है। अभी ध्यान दीजिए, ये दोनों दो तरफ लगे हैं, दो तरफ देखिए, ये बीचवा से ही देख रहे हैं ना, यहां से ये अलग है, उधर वाली सिस्टम अलग है, इधर वाले सिस्टम अलग है। तो कैपेसिटर का जो दोनों तार होता है वो रिले के दोनों तरफ जुड़ता है, रिले है ना। कैपेसिटर अगर लगा रहे हैं तो एक थे इस साइड, एक थे इस साइड जुड़ेगा। अभी हम तीन पिन की बात कर रहे हैं तो हाई तीन पिन, हाई वाली पिन नहीं रहेगा, तो एक ऐसे तिरछा जुड़ेगा, तिरछा जुड़ सकता है, कोई बात नहीं। हमने आपको यह भी बताया कि एक तरफ की दोनों पिन एक ही होती हैं और दूसरे तरफ की दोनों पिन एक ही होती हैं, तो तिरछा जुड़ जाए, एक थे इधर वाला, एक थे इधर वाला, तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या करना है, तिरछा में ऐसे कैपेसिटर जोड़ देना, समझ गए, एक थे एक साइड में, एक थे दूसरी साइड में, इस तरह से जोड़ना है, लगा देना है कैपेसिटर के साथ। अब कंप्रेसर मोटर चलेगा, जब मोटर स्टार्ट होगा, थाई सप्लाई से टच होती है, यहां से कैपेसिटर से हो करके इसमें आ गया, मोटर को स्टार्ट स्टार्ट मारेगा, अब मोटर स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको लगाते हैं, कंफर्म है? अच्छा, ये तीन पिन है। अब अगर चार पिन है तो क्या करेंगे, चार पिन के साथ भी वही करते हैं, बस हाई पॉइंट चेंज हो जाएगा, पलट जाएगा, जब ये वाला कंप्रेसर आएगा तो अब उधर वाले में सप्लाई देने की नहीं, इधर वाले में देने की जरूरत पड़ेगी, मतलब चार पिन वाले में भी एक पिन खाली रह जाती है, क्लियर है? अच्छा चलिए, ये हमारा नॉर्मल था। अगर हम बात करें डायग्राम के हिसाब से हम फ्रिज की वायरिंग कैसे करते हैं, चलिए बताते हैं। तो डायग्राम के हिसाब से देखिए, वायरिंग के लिए हमने सब कुछ मिटा दिया, यहां पे डायग्राम बना लिया है, कुछ इसका कनेक्शन करना टोटली बाकी है। पहले पार्टों को समझा देते कि कौन सा पार्ट हमने क्या बनाया है, यह समझिए। देखिए यहां पर फेस है, और ये फेस मतलब यहां पर समझिए, रेड कलर का वायर रहेगा, ग्रीन कलर का रहेगा, और ब्लू कलर का है, ब्लैक कलर का है। तो रेड वाले में फेस है, ग्रीन वाला बॉडी अर्थ के लिए है, और ब्लैक वाला जो है वो न्यूट्रल है। ये है, ये थर्मोस्टेट स्विच है, यहाँ पर देखिए हमने इस प्रकार से ये स्विच बनाया, ये डोर स्विच है, ये लैंप है मतलब बल्ब है, इसमें तार जोड़ने के लिए ये दो पॉइंट है, इसमें दो पॉइंट, ये इधर दो पॉइंट, इनपुट आउटपुट है। ये ओएलपी है, ओवरलोड प्रोटेक्टर, ये कंप्रेसर मोटर की तीन पिन है, यहाँ पे लगाया हमने पीटीसी रिले, इसमें कैपेसिटर भी लगाएंगे, ये अगर वायरिंग है। और तो इसका डायग्राम कैसे बना होगा, और डायग्राम को देख करके हम वायरिंग कैसे कर सकते हैं उसको हम समझेंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, चलिए न्यूट्रल या फेस की किसी भी वायरिंग को यहाँ कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चलिए न्यूट्रल की वायरिंग को शुरुआत करते हैं, ये ब्लैक वाले से। ग्रीन वाला जो है ये तो यही बॉडी में जोड़ दिया जाएगा, वायरिंग खत्म, कहीं भी बॉडी में जोड़ दीजिए, फ्रिज के कंप्रेसर के पास ले जाके लोग जोड़ देते हैं तो वहीं खत्म हो जाती है, कंप्रेसर के नीचे जहां पे नट लगा होता है वहीं पे। ब्लैक वाले के साथ वायरिंग की शुरुआत करते हैं, ये जो ब्लैक कलर का वायर है सबसे पहले लेकर के जाते हैं और बल्ब के एक पॉइंट में जोड़ देना, क्योंकि बल्ब है ना, न्यूट्रल मिलेगा तभी तो जलेगा, तो बल्ब में न्यूट्रल पहुंच गया। अब ये न्यूट्रल और आगे लेके जाएंगे, ये न्यूट्रल और आगे लेके जाएंगे, और इसी न्यूट्रल के द्वारा हम क्या करते हैं, कंप्रेसर के रिले वाले पॉइंट में हमने बताया था आपको कि दाहिने जोड़ना है, तो दाहिने में हम जोड़ दे रहे हैं। और जब हम दाहिने में जोड़ दे रहे हैं तो इस अवस्था में क्या होगा, अब इसको कंप्रेसर में लग जाएगा तो कंप्रेसर चलेगा, तार नीचे दिख रहा है ना यहाँ पे, तो देखिए कंप्रेसर यहाँ पे हमारा लग जाएगा तो चलेगा, कैपेसिटर अभी हम इसमें नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलिए ऊपर लगा लेते हैं, ये जो फेस का वायर है इसको लेकर के चलते हैं। सबसे पहले ऐसे हम लेकर के जा रहे हैं, जोड़ रहे हैं थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट पे। हमने क्या बताया था कि तार को लेकर के जाएंगे और थर्मोस्टेट के किसी एक पॉइंट में जोड़ेंगे, और जिसमें जोड़ेंगे उसी से डोर स्विच को चाहिए ना, बीचवा में से लेकर के आ जाते हैं हम डोर स्विच को एक पॉइंट में, इसको लाइट मिल गई और डोर स्विच का अगला बल्ब में जोड़ देते हैं, हो गया काम इसका ना, कि ये न्यूट्रल इधर से मिल गया, यहां से फेस मिल रहा है, अब स्विच ऑन होगी तो बल्ब जलेगा, और स्विच ऑन नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा, हो गया। अच्छा अब यहां से ये फेस का तार थर्मोस्टेट में जाएगा, थर्मोस्टेट क्या चेक करेगा, कूलिंग ज्यादा तो नहीं है, कूलिंग ठीक है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, तब ये सप्लाई को आउट करेगा। जब ये सप्लाई को आउट करेगा तो कहां जाएगी पावर, जाएगी ओएलपी में, और ओएलपी क्या करेगा, पहले ही चेक करेगा कंप्रेसर और ज्यादा गर्म तो नहीं है, कंप्रेसर गर्म नहीं है, सब कुछ ठीक है, तब जाकर के ये सप्लाई को आउट करेगा। और जब यहां से आउट करेगा तो सप्लाई आएगी कहां पे, कंप्रेसर के कामन में, और यही जब कामन में आएगी तो समझ गए ना, अब पावर तो दोनों मिल गई, न्यूट्रल और फेस। अब बात रही कि कैपेसिटर वह कहां लगाएंगे, कैपेसिटर लगाने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, कैपेसिटर के एक तार को एक में और दूसरे को रिले के दूसरे में जोड़ देना। तीन पिन वाला है ना, चार पिन वाला होता तो भी जोड़ देते, अभी हमने पीछे समझा था इस रिले को लगाना, तो रिले वगैरह का लगाने का तरीका हमारा सेम है। और ये डायग्राम का हिसाब बताने का मतलब देखिए, यहाँ न्यूट्रल की जगह पे फेस हो गया, हमने न्यूट्रल के वायर को थर्मोस्टेट में ले गए थे, यहाँ फेस जा रहा है, लेकिन हमने पहले भी बताया आपको कि न्यूट्रल की जगह पे फेस,
या फेस की जगह पे न्यूट्रल किया जा सकता है। इस प्रकार से आप डायग्राम के हिसाब से वायरिंग कर सकते हैं। किसी भी फ्रिज के पीछे डायग्राम बना होता है उसकी वायरिंग का, आप वहां से देख करके वायरिंग समझ सकते हैं। चाहे फ्रिज का ही नहीं, एसी का, वॉशिंग मशीन का, सबका वायरिंग का डायग्राम बना होता है। लेकिन डायग्राम को थोड़ी सी समझना पड़ेगा, थोड़ी सी पढ़ना पड़ेगा। डायग्राम की जो स्विच है, अब तक जो हम बल्ब बनाते हैं देसी बल्ब, यहाँ का बल्ब देखिए, ये स्विच देखिए, डोर स्विच देखिए, ये कंप्रेसर देखिए, मतलब समझ रहे ना, ये जो पार्ट है ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंट बना हुआ है ना, ये तो किताबी भाषा में ऐसा होता है जो उस पर लिखा होता है। तो डायग्राम के हिसाब से भी समझना आपको जरूरी है। अगर डायग्राम के हिसाब से भी समझेंगे तो आप वायरिंग में कहीं फंसेंगे नहीं। कहीं टेक्नोलॉजी आगे चेंज भी होती है, कुछ बदलाव भी आता है, तो उसका डायग्राम आपको मिल जाएगा और डायग्राम के हिसाब से आप वायरिंग कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, ये इसी प्रकार से हम फ्रिज की वायरिंग कर सकते हैं। वायरिंग से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए 95111 41 990। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल EMI टेक्निकल ब्लॉग को भी सब्सक्राइब करके रखिए, डेली वीडियो उस पर आ रही है, डेली उस पर लाइव भी आते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और हर बार वापस आकर के लाइक करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।